आज हम बनाने जा रहे हैं बादामी कोरमा। उसके लिए मैंने सबसे पहले इंग्रेडिएंट में चिकन ले लिए, चिकन हमने 1 किलो ली है। यहाँ 1 पाव दही ले लिया है मैंने। यहाँ हमारे पास 3 बड़ी प्याज थी जिन्हें मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ 1 पैकेट मैंने कोरमे मसाले का लिया है। 1 किलो में हम 1 पैकेट शामिल करें। 3 चमचे मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के लिए भर के, जो कि कोरमा हमारा बादामी है इसलिए हमने बादाम ले लिए हैं। उसको हम पानी में भिगो देंगे और उसका छिलका उतार लेंगे। और यहाँ हमारी जो प्याज है उसको हाथ से मसल कर हम दही में शामिल कर देंगे और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं हमारे बादामी कोरमे के। आइए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये प्याज का तेल था, इसी में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी मैं। ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने इसमें। ये देखिए, लहसुन अदरक मेरा भुन रहा है। यहाँ पर चिकन शामिल करूँगी। चिकन मैंने शामिल कर दी थी, अब चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अच्छे से हम इसे भून गए हैं। इसके अंदर कोरमा मसाला शामिल कर रही हूँ। दोबारा हम इसे भूनेंगे। ये देखिए, मसाला इसमें मैंने शामिल कर दिया। कलर देख सकते हैं मसाले का कितना अच्छा आ रहा है। अब हम इसे भूनेंगे। मैं इसे भून रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। 1 गिलास अब मैं 1 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये हमारा यहाँ मसाला भुन चुका है, पोजीशन मसाले की ये आ चुकी है। अब मैं इसके अंदर दही और प्याज शामिल करूंगी। ये देखिए, मैंने इसके अंदर प्याज और दही शामिल कर दिया है। प्याज को मैंने अच्छे से पीस लिया था दही में, वो शामिल कर दिए। अब हम भूनेंगे मसाले को। ज़्यादा मत पीसिएगा, हमें दानेदार रखना है प्याज को। ये देखिए, मसाला कितना अच्छा हो चुका है। और देखिए, मसाले में बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारी ग्रेवी देखें ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर दही का पानी शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा। ये देखें, थोड़ा सा मैंने दही का पानी शामिल कर दिया इसमें। कोरमा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी और हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। ये देखें नाज़रीन, यहाँ हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। ये देखिए, ऊपर से मैंने बादाम और इस पर अदरक काट के सर्व किए, जो कि मैंने कहा था कि बादामी कोरमा है तो बादाम इसमें नेसेसरी थे, इसलिए हमने इसे सर्व किया है ऊपर से। कलर देख सकते हैं आप कोरमे में, दाना देख सकते हैं, कितना मज़ेदार कोरमा तैयार हुआ है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए कुकिंग क्लासेस विद साइमा सर। आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।